आज बहुत से लोग ऐसे हर जगह होते हैं कि आप उनसे मतलब भी नहीं रखते, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उनका कुछ ना गलत सोचा ना उनके साथ कभी गलत किया, फिर भी वो आपके बारे में गुप्त रूप से हर किसी से कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें करेंगे ही, और वो अपने अंदर की सारी बुराई सारी कमी भूलकर उनकी नज़र सिर्फ आपकी लाइफ में आपके हर एक कदम में रहती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कम और दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और ऐसे लोग वही होते हैं जो आपके सामने तो किसी प्रकार का आप पर वार नहीं करते, आपके सामने सिर्फ आपसे बहुत प्यार से पेश आएंगे और अपनी मीठी मीठी बातों से आपके सारे सीक्रेट आपके सारी कमजोरी आपके सारे प्लान जानने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे लोगों को जल्दी पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये इंसान आपका अंदर ही अंदर बहुत बुरा सोचता है, क्योंकि वो आपके सामने खुद को बुरा प्रकट होने ही नहीं देते। ऐसे लोग आपकी गुप्त रूप से हर प्रकार से टांग खींचने में सबसे पहले होते हैं। ऐसे लोगों की ये सोच होती है कि ये दूसरों के सामने आपके बारे में अनाप शनाप गलत तरीके से बातें बताकर मिर्च मसाला डालकर बढ़ा चढ़ाकर आपकी बुराई करेंगे तो दूसरे लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू आपकी इज्जत कम होगी और दूसरे लोग आपको गलत समझेंगे और उस बुराई करने वाले इंसान को अच्छा समझेंगे। ऐसे लोग अपनी आदत और अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा बोलता है दूसरों से, तो आप या तो उस इंसान से नफरत करने लगते हो या बहस करते हो या फिर लड़ाई, जिससे वो बुराई करने वाला इंसान अपनी सफाई देगा या लोगों से पूछताछ करने को बोलेगा। ऐसे में आप दूसरों की नज़रों में सच में कहीं ना कहीं बुरे साबित भी हो जाते हो, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास आपके नज़दीक आपके रिलेटिव में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बारे में बेवजह ही दूसरों से चुगली करते रहते हैं, दूसरों के सामने आपको गलत तरीके से बताते रहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ ना ही नफरत करना, ना ही उनसे कोई लड़ाई करना, ना ही बहस करना और ना उनकी बुराई करना, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो आपकी लाइफ और आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच सोच कर परेशान रहता है खुद में। एक बात ध्यान रखिए, किसी के कुछ भी कहने या बोलने से कुछ नहीं होता। जो लोग पढ़े लिखे और एजुकेटेड होते हैं वो खुद समझ जाते हैं कि कौन इंसान कैसा है, कौन चुगलीखोर है, कौन अच्छा है। बस कोई सामने नहीं बोलता, चुपचाप उनकी बात को सुन लेते हैं। दूसरी बात, जो आपके बारे में हमेशा दूसरों से चुगलीबाजी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, उनकी धीरे धीरे खुद दूसरों के सामने वैल्यू और इज्जत कम होने लगती है, क्योंकि लोग एक बार उनकी बातें ध्यान से सुनेंगे, दो बार, लेकिन जब वो इंसान हर किसी से आपके बारे में हमेशा बोलता रहता है तो लोग समझ जाते हैं कि आप तो कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते, वही इंसान आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ बातें करता रहता है, मतलब कि वो इंसान गलत है। आप सिर्फ धैर्य रखिए और अंदर से खुश रहिए। आप खुद देखिएगा कि एक दिन उस बुराई करने वाले इंसान की खुद दूसरे लोग कैसे बुराई करने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफ अपने काम में खुश रहिए और ऐसे लोगों को अपनी सफलता अपनी तरक्की और अपनी अच्छाई से जलाते रहिए। ये खुद जल जल कर राख होते जाएंगे। आपको बाकी कुछ भी नहीं करना, ना ही ऐसे घटिया और नीच सोच वालों के कारण आपको डिस्टर्ब होना, क्योंकि अगर आपके रास्ते में कीचड़ पड़ा है तो आपको उससे साइड निकल जाना चाहिए। अगर आप कीचड़ से उलझोगे तो आप ही गंदे होगे, क्योंकि कीचड़ तो पहले से ही गंदा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। भौंकने वाले कुत्ते सिर्फ भौंक भौंक कर दुम हिलाकर एक दिन आपके पास ही आएंगे, क्योंकि झूठ की उम्र ज़्यादा दिन तक नहीं होती। झूठ सिर्फ शुरुआत में ही तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से इज्जत पाता है, लेकिन बाद में उसकी ऐसी दुर्गति होती है कि दोबारा वो उठ नहीं पाता। तो अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।